कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है सूरह अल बकरा में लाइक रहा फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। दिल है मानिए, अगर आपका अकीदा है रखिए, नहीं है मत रखिए, लेकिन इस तरह की मुनाफिकत मत करिए कि आप कोर्ट में पिटीशन PIL डाल रहे हैं कि हमारे कुरान में से 26 आयतें हटा दीजिए। मैं कहता हूं उन 26 आयतों का मतलब भी नहीं पता होगा सही से वसीम रिजवी को। तौबा करता हूं, ऐसे शख्स का नाम लेना, मैं अपने नफ्स से नाम लेने में ही मुझे शर्म आ रही है, ऐसे शख्स का नाम लेने में। तो बस हमारी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त है, हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात प्रेसिडेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मनहूस के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है आप कीजिए। ये शख्स इस मुल्क की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क में शिया और सुन्नी को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे शिया भाइयों ने ये बता दिया है कि हम जितना अगर हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी हम उतना ही मुत्तहिद होकर सामने आपके खड़े हो जाएंगे। तमाम स्टूडेंट से गुजारिश करूंगा कि वो इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बने और अपनी जिंदा दिली का सबूत फांसी दो वसीम रिजवी को, शर्म करो वसीम रिजवी मुर्दाबाद। 26 आयतों के लेकर के उसने जो कोर्ट में पिटीशन फाइल किया वो तो अल्लाह ही उनको दिखाएगा। अल्लाह ने अपने कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद लिया है। जब उसने कहा है कि सबर और देर की भी चेंजेस नहीं होंगे तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात है। इंशाल्लाह वसीम रिजवी क्या पूरी दुनिया देखेगी, वसीम रिजवी का क्या हश्र होगा, क्योंकि जब इस्लाम को मिटाने के लिए, कुरान को मिटाने के लिए बहुत सारे लोग, बड़े बड़े दुश्मन इस्लाम आए और उन्होंने कोशिश दूर करके देखा, लेकिन क्या हुआ उनके साथ कि अल्लाह ताला अगर काम लेना चाहे तो एक मच्छर से, एक पतंगे से भी काम ले सकता है। अब्रहा की पूरी सेना को तबाह कर दिया, सिर्फ एक कंकड़ पत्थर से अगर भी के पैरों के अंदर दबवा गए, वही अब्रहा जो खाने काबा को गिराने के लिए चला। वसीम रिजवी सोचते हैं कि हम अल्लाह से टकरा जाएंगे और हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो ये कोई इंसानी ताकत नहीं है, वो अल्लाह है, वो पूरी दुनिया के कादिर है, जो वहां सोच नहीं सकते वहां पर खुद रखते। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हम तुलबा ने अपनी जिंदा दिली का इजहार कर दिया है और कल 14 तारीख को खुद बजाते खुद कलबे जवाद साहब और एडवोकेट प्राजा साहब ये लखनऊ में एक एहतजाज कर रहे हैं इसके खिलाफ। और इसकी सिर्फ डिमांड इतनी है कि ये चाहता है कि मैं इस सरकार में एक बड़ी पोस्ट ले सकूं, जैसा कि हमारे भाई फैजल ने बताया, ये चाहता है कि मैं एक बड़ी पोस्ट ले सकूं ताकि मेरे ऊपर जो इंक्वायरी है वो इंक्वायरी ना हो। लेकिन इंशाल्लाह ये मेमोरेंडम इसे उस सीट तक नहीं पहुंचने देगा। वसीम रिजवी जैसे ना कल बख्शिश के लायक थे ना आज बख्शिश के लायक है। मैं AMU का स्कॉलर स्टूडेंट हूं, मैं सब की तरफ से शिया थियोलॉजी का डिपार्टमेंट का हूं, मैं सब लोगों की तरफ से वसीम रिजवी को बताना चाहता हूं कि तुम कितना भी लड़ाने की कोशिश करो, ना हम कल लड़ने वाले थे ना आज लड़ने वाले हैं। तुम कुरान को कितना भी बदनाम करने की कोशिश करो, ना कुरान कल चेंज होने वाला था ना आज चेंज होगा। क्यों? इसलिए कि खुदा बंद आलम ने इसकी हिफाजत का जिम्मा लिया हुआ है और हम सब यहाँ पर जमा हुए हैं आज इस वसीम रिजवी के खिलाफ नहीं बल्कि योम कयामत तक के लिए। अगर कोई वसीम रिजवी जैसा कल भी खड़ा होगा तो हम उसके लिए भी इसी तरह खड़े होंगे और आवाज़ें बुलंद कहेंगे वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी मुर्दाबाद, वसीम रिजवी शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो, वसीम रिजवी मुर्दाबाद। लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा,
लाख बदलेगा जमाना मगर कुरान न बदला जाएगा, जिस किताब की खुदा खुद हिफाजत करे उसको कौन ही मिटा पाए। कुरान में सूरह हिजर आयत नंबर 9, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून, बेशक ये किताब हमने उतारी है और इसकी निगरानी हम करेंगे। ये अल्लाह पाक कुरान में फरमा रहे हैं, तो जिस किताब को अल्लाह पाक खुद फरमा रहे हैं कि उसकी निगरानी हम करेंगे, तो उस किताब को मिटाने वाले या उस किताब में दखल अंदाजी करने वाले या उस किताब में मुदाखलत करने वाले ये वसीम रिज़्वी कौन होते हैं। जिस किताब को 1400 सालों से जिस कुरान को 1400 सालों से किसी ने एक जेर जबर एक नुक्ता कोई उसमें ज्यादा और कम ना कर पाया, तो उसमें एक ये मामूली सा किस्सा जिसका नाम वसीम रिज़्वी है वो उस कुरान में मुदाखलत करने की बात करता है। आपको लगता है कि ये ऐसा कर पाएंगे और हम होने देंगे? तो जो लोग इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, जो इस्लाम को गलत दिखाते हैं, मेरी उनसे भी दरख्वास्त है कि इस्लाम का पीछा छोड़ दीजिए। आपने पहले इस्लाम में ये कहा था कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, पहले इस पर बहुत ट्रायल कराया मीडिया ने। मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करूंगा, मीडिया के साथ ही यहाँ पर मौजूद है, मैं कहूंगा कि इस्लाम को जिस तरीके से दिखाते हैं आप लोग, दिखाना बंद कर दीजिए। इस्लाम एक मोहब्बत का मजहब है, मोहब्बत का धर्म है, मोहब्बत का रिलीजन है। इस्लाम ने कभी भी इस्लाम ने किसी से जोर जबरदस्ती करना नहीं सिखाया। इस्लाम कुरान में साफ साफ लिखा हुआ है सूरह अल बकरा में, लाइक रहा फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। दिल है मानिए, अगर आपका अकीदा है रखिए, नहीं है मत रखिए, लेकिन इस तरह की मुनाफिकत मत करिए कि आप कोर्ट में पिटीशन PIL डाल रहे हैं कि हमारे कुरान में से 26 आयतें हटा दीजिए। मैं कहता हूं उन 26 आयतों का मतलब भी नहीं पता होगा सही से वसीम रिज़्वी को। तो मैं कहता हूं ऐसे शख्स का नाम लेना, मैं अपने लब से नाम लेने में ही मुझे शर्म आ रही है, ऐसे शख्स का नाम लेने में। तो बस हमारी प्राइम मिनिस्टर से, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से ये दरख्वास्त है, हम तमाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा और तालिबात प्रेसिडेंट से ये दरख्वास्त करते हैं कि इस मनहूस के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है आप कीजिए। ये शख्स इस मुल्क की अखंडता को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये शख्स इस मुल्क में शिया और सुन्नी को लड़वाने की कोशिश कर रहा है। और हमारे शिया भाइयों ने ये बता दिया है कि हम जितना अगर हमें तोड़ने की कोशिश की जाएगी, हम उतना ही मुत्तहिद होकर सामने आपके खड़े हो जाएंगे। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज आपके सामने है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ये जो एहतजाज आज का जो प्रोटेस्ट है, ये ऑर्गेनाइज हमारे शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट के भाइयों ने किया। कल लखनऊ के अंदर 14 मार्च को मौलाना कल्ब जव्वाद साहब प्रोटेस्ट इसके खिलाफ करने जा रहे हैं। तो आप अगर ये सोचते हैं किसी एक गुलाम को लाकर आप शिया और सुन्नी को तोड़ने का काम करेंगे या आप हमारे कुरान में कोई मदाखलत करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। हम लोग बिल्कुल अपने कुरान में, अपनी शरीयत में, मैं फिर से कह रहा हूं, हम बिल्कुल भी मदाखलत बर्दाश्त नहीं। लेकिन आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शिया डिपार्टमेंट ने, शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट ने, शुक्रिया अदा करता हूँ शिया थियोलॉजी डिपार्टमेंट का कि उन्होंने इस एहतजाज को ऑर्गेनाइज किया और बता दिया कि अगर कोई हमारी शरीयत में, हमारे कुरान में मदाखलत की बात करेगा, तो हम डंके की चोट पे उस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे और उस गलत के खिलाफ आवाज उठाएंगे और वो गलत नहीं होने देंगे। मेमोरेंडम किसके नाम दिया है? हमने मेमोरेंडम जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम दिया है और हमने डिमांड करी है कि जो बड़ी से बड़ी धारा, कम से कम 3 साल की सजा तो होनी ही चाहिए, 3 साल के लिए जेल तो वसीम रिज़्वी को भेजना ही चाहिए, और जो बड़ी से बड़ी धारा लग सकती है वो इस देश को, मुल्क को तोड़ने वाले और आपस में लड़वाने वाले इंसान के ऊपर होनी चाहिए।